देख रहे हैं न्यूज 24 और झारखंड की सुपर 25 खबरों के साथ मैं हूं इंदु पात्रा। शहर में अपराधी हुए बेलगाम, 24 घंटे के भीतर बागबड़ा के कीताड़ी के रेलवे कर्मी के साथ लूटपाट। टेल्को बारी नगर में चाकूबाजी के बाद टेल्को के गैस डीलर राहुल कुमार के सीताराम डेरा स्थित आवास के बाहर खड़ी स्कॉर्पियो गाड़ी पर चलाई गोली। बकरीद को लेकर शहर के बकरा बाजारों में इलाहाबादी बकरे ने बढ़ाई रौनक। बिस्लेरी पीने वाले बकरे को देखने के लिए लोगों की उमड़ी भीड़। 13,000 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक में मिल रहा है बकरा। झारखंड स्ट्रीट फूड जांच टीम ने जमशेदपुर के स्ट्रीट फूड वेंडरों द्वारा प्रयोग में लाए जा रहे सामान्य एवं खाद्य पदार्थों की जाँच। वेंडरों में मचा हड़कंप। टाटा मोटर्स के जमशेदपुर प्लांट में शनिवार 24 जुलाई को फिर से होगा ब्लॉक क्लोजर। इसके बाद रविवार यानी 25 जुलाई को होगी साप्ताहिक छुट्टी। कुल मिलाकर लगातार 2 दिन बंद रहेंगे प्लांट। झारखंड होमगार्ड के जवानों का है बुरा हाल। पिछले 6 महीने से नहीं मिला वेतन, नाजुक हुई स्थिति। टाटा स्टील की अनुषंगी इकाई TSDPL में सोशल डिस्टेंसिंग की खुलेआम उड़ाई जा रही है धज्जियां। एक तस्वीर हुआ वायरल, यूनियन है मौत। जुबली पार्क के बाद अब एम्यूजमेंट पार्क खोलने की तैयारी हुई पूरी। 1.5 वर्ष से बंद था पार्क, लोगों के चेहरे पर आई खुशी। फिलीपींस में मारे गए तरनजीत सिंह की याद में जमशेदपुर के साक्षी गुरुद्वारा में आयोजित किया गया विशेष कीर्तन दरबार। सभी ने काला बिल्ला लगाकर जताया विरोध। सुप्रीम कोर्ट ने कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट 2021 की परीक्षा को स्थगित करने वाली याचिका को किया खारिज। 23 जुलाई को होगी परीक्षा, कोरोना गाइडलाइन का किया जाएगा पालन। अवैध शराब कारोबारी गणेश कालिंदी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 25 लीटर देसी महुआ घर से हुआ बरामद। टाटा स्टील में कोरोना को लेकर गेट पास बनाने और विजिटर्स एंट्री पर लगाई गई रोक को हटा दिया गया। सारे लोग जा सकेंगे अब कंपनी के भीतर, लेकिन अगस्त महीने से बिना टीका लिए लोग नहीं जा सकेंगे अंदर। परसुड़ी पुलिस ने मुंशी मोहल्ला के मकदमपुर में की छापेमारी। 770 ग्राम गांजा के साथ गांजा का अवैध कारोबारी को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। रांची में नहीं थम रहा है अपराध का ग्राफ। खलारी के चंद्रगोड़ा में 32 वर्षीय युवक कार्तिक की गला रेत कर की गई हत्या। दिहाड़ी मजदूर का काम करता था कार्तिक। घर से लगभग 50 मीटर की दूरी पर खून से लथपथ पुलिस ने कार्तिक का शव किया बरामद। दुमका के रसिकपुर लॉज से लापता सोनी का शव बरामद। हत्या के आरोप में सहेली के बॉयफ्रेंड सहित 3 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। 9 जुलाई से लापता थी छात्रा सोनी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 10वीं बोर्ड के नतीजों की करेगा घोषणा। हालांकि अब तक परीक्षा का रिजल्ट जारी होने की तारीख नहीं की गई है घोषित। बोर्ड और स्कूल लगातार डाटा कंपाइल करने में जुटे। घाटशिला जेल में महिला कैदियों ने खुद पर किया वार, मची अफरा तफरी। इलाज के लिए MGM अस्पताल में किया गया भर्ती। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने देवघर एम्स में स्थानीय व्यक्ति की नियुक्ति की उठाई मांग। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडविया को लिखा पत्र। इलाज करने से ज्यादा डॉक्टर LS मिश्रा को शादी करने में दिखती है खुशी। अब तक 4 रचा चुके हैं शादी। कानून का नहीं है डर, पत्नियों ने सिंदूर का मांगा हक। कोडरमा के बंद पड़े खदान में मां सहित 3 बेटों का मिला शव। ससुराल वाले बताए जा रहे हैं फरार, पुलिस कर रही है जांच पड़ताल। नगर निगम के उदासीन रवैये के कारण शहर के चौक चौराहों की स्थिति बिगड़ी, लोगों में दिख रहा है आक्रोश। मैनहार्ट केस की जांच हुई तेज, ACB भेजेगी और 15 लोगों को नोटिस। झारखंड के अधिकांश जिलों में पिछले 4 से 5 दिनों से वैक्सीनेशन प्रक्रिया है ठप। पर्याप्त मात्रा में इंजेक्शन नहीं मिलने के कारण वैक्सीनेशन प्रक्रिया में आई सुस्ती। रांची में रेल टिकट कालाबाजारी का हुआ खुलासा, ट्रेवल कंपनी के संचालक गिरफ्तार। CBI ने कालाबाजारी का किया भंडाफोड़। पलामू जिले के हैदरनगर थाना के कायरेडी टोला में गाँव के ही कुछ लोगों ने डायन बताकर एक महिला के साथ की मारपीट, किया जख्मी। पुलिस कर रही है मामले की जाँच। औरंगाबाद से झारखंड सीमा तक 6 लेन का बनेगा GT रोड। 1300 करोड़ की लागत से 70 किलोमीटर तक सड़क होगी चौड़ी। तो आज के लिए बस इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए AM न्यूज। लेकिन हर रोज की तरह जाने से पहले आपको छोड़े जाते हैं इस वायरल वीडियो के साथ, जिसमें आप देखेंगे कि ये जो कहावत है, जाको रखे साइया मार सके ना कोई, वो कहीं ना कहीं चरितार्थ होता दिख रहा है। बहुत बढ़िया काका, बहुत बढ़िया, चालू रखना।
वापस आया।